अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम मेकिंग हाईवे स्टाइल कढ़ाई। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक हाफ के जी ऑफ चिकन और ऑयल के अंदर जो है वो हमने इसको पहले इस तरीके से सिंपल जो है वो फ्राई कर लेना है और फिर उसके बाद इसमें हरी मिर्ची स्लिट करके डाल देनी है 3 से 4 अदद और इसको अच्छे तरीके से हमने जो है वो फ्राई कर लेना है। फिर उसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है 1 to 2 टेबल स्पून के करीब। आई एम एडिंग 2 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली डाल दिया। इसको हमने थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। फिर हमने इसके अंदर टमाटर जो है वो स्लिट करके रखने हैं। यू कैन ऐड द पेस्ट ऑल्सो ऑफ टोमेटोज। फिर जो है वो आप टमाटरों को जो है वो रख दीजिए स्लिट करके और उसको 5 to 6 मिनट के लिए जो है वो ढक के रख दीजिए। ये मैंने होल स्पाइसेस जो है वो प्रिपेयर करके रखे हैं। मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाला हुआ है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून जो है मैंने कोरिएंडर सीड्स लिए हैं और उनको क्रश्ड किया है। लेकिन उससे पहले कोरिएंडर सीड्स 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ज़ीरा को मैंने तवे के ऊपर हल्का सा जो है वो सेंखा था, फिर उसके बाद मैंने उसको क्रश्ड किया हाथ से और फिर इस तरीके से जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून जो है वो हमने काली मिर्ची डालनी है और नमक 1.5 और अप्रॉक्सीमेटली 1 एज यू लाइक। जब हम स्लिट करके डालते हैं तो टमाटर कुछ इस तरीके से हो सकते हैं और आप इजीली उसकी जो स्किन है ना इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से आप पील ऑफ कर सकते हैं इसकी स्किन को। ये मैं इजीली सबकी स्किन टमाटरों की रिमूव कर दूँगी। स्किन रिमूव हो गई, अब हम इस तरीके से इसको थोड़ी देर पका लेंगे और फिर इसके अंदर होल स्पाइसेस ये जो हैं इसके 2 टेबल स्पून डालने हैं। मैं जो है वो 2 टेबल स्पून होल स्पाइस के डाली हूँ जो मैंने प्रिपेयर किए थे, ये देखिए इसके अंदर, और फिर 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकाना है। ये मैंने जो है वो धनिया और हरी मिर्चें और अदरक जो है वो काट के रखी हुई है फॉर गार्निशिंग। हमारी कढ़ाई तैयार है। ऊपर से थोड़ा सा हमने 1 टेबल स्पून दोबारा से ये जो होल स्पाइस है वो डालने हैं, ठीक है। गार्निशिंग के लिए हमने हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक डालनी है। और इसको ढक के रख देना है 5 मिनट्स के लिए, देन कढ़ाई तैयार।